सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मौका जो आना था वो आ चुका है, एंड पाकिस्तान की तरफ से पहले इंडिया खेल रहा था और पाकिस्तान की तरफ से क्या ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है। शाहीन ने तो यार शॉक दे दिया है। पहले हम इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। वही है ना यार, आज आपका वो वर्ल्ड कप का काउंटडाउन, एशिया कप तो टूर्नामेंट और इवेंट है ही है। ओए यार, ओए यार, ये वही था विराट कोहली, हो गए ना। अब ये आप करो पहले बैटिंग, ये खेले आप करो ना पहले बैटिंग, आप करो बैटिंग, शहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हम कह रहे थे सबसे बड़ी विकेटें, सबसे बड़े बल्लेबाज, विराट ने प्लेड ऑन इनसाइड एंड ऑन टू द स्टंप्स और रोहित शर्मा बोल्ड वहां पर हो गए थे, ये बाहर क्या उसमें से घुस के उनका क्या चल रहा है। मैं कहा इंडिया के तीन आउट हो गए, उन्होंने कहा इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने भी ये कहा टॉस जीत के बैटिंग ही की होगी टॉन्ट मार के, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कहा। एक होता है कि आ बैल मुझे मार, एक होता है बैल के पास चले जाओ, किसी को तो स्कोर करना था पहले, जी कुल्हाड़ी होती है ना नीचे जमीन पे, उस पे कूद कूद के अपने पैर। बट सर जो हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले से बिल्डअप के दौरान, ठीक है राहुल भाई कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, बट हम बार बार कह रहे थे कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए घबराए हुए आते हो और वो आपको घबराई हुई क्रिकेट नजर भी आई है। मनोज जी मैं एक साल से कह रहा हूँ, दो साल से फियर ऑफ फेलियर आपके चेहरों पे पाकिस्तान के ज्यादा होता है, मैंने 90s में देखा वो और मैंने दो साल से अब देखा है। ठीक है ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हाँ बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अब सी आज 2 सितंबर को पहला मैच, अब ये उल्टी हो गई है गंगा। पहले क्या था, पाकिस्तान आता था एक टूर्नामेंट में, वो इंडिया से पहले हारता था और फिर कमबैक करता था। हो सकता है इंडिया कमबैक करे, पर आप एडमिट करो कि यू आर अंडरकुक्ड, वही चीज है, आपको एडमिट करो ना। वो आप इंडिया में क्या होता है, वही सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को इतना वो बरगला देते हैं, इट्स अ गुड टीम। हाँ पाकिस्तान ये वाहिद चैनल था स्पोर्ट्स और उनकी जहां पे मैं इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे, मैंने कितनी बार कहा पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में मत लो। और आप देखो जो बात करते हो ना, हाँ तजुर्बा था इंडिया के पास 1200 वनडे का, बट यू आर एजिंग सुपर स्टार्स, आप क्यों नहीं खेल रहे थे भाई? आप जब T20 थी उसमें फुस हो गए, आप T20 के टाइम पे वनडे नहीं खेलते थे, वनडे आया तो वनडे भी नहीं खेलते, क्यों नहीं खेले आप वेस्ट इंडीज में? क्यों? क्योंकि आपके कोच और कप्तान ये देखना चाहते थे कि 12वां 13वां 14वां 15वां कैसा होगा। आपको 12 13 14 15 की बड़ी ध्यान होती है, आपको आप 11 देखते नहीं। 11 हे भगवान, डैम खत्म करो, मैंने खाना यार यही टूटना था मोमेंटम आपका, यही मोमेंटम टूटना रह गया था बस। अभी से बारिश को दोषी करो, शाहीन अफरीदी अच्छा कर गया, सेट होने के बाद रोहित, चौके छक्के लगाने के बाद रोहित, तीन नंबर पे विराट आ रहे हैं जी, बिल्कुल मिस भाई। ये केएस भरत ऐसे आउट हुआ था WTC फाइनल में, केएस भरत पढ़ के बॉल अंदर, अभी तुम पढ़ तो लो उसकी मूवमेंट कहां जा रही है, सीधी बॉल शिट, सीधी बॉल पे आउट हो गया। शाहीन अफरीदी ने अच्छा सेटअप करा, पहले दो बॉल बाहर निकाली, चौका दिया, शाहीन अफरीदी फिर विकेट ले गया है हमेशा की तरह, और आ जाओ जी विराट कोहली हमारी जान बचा लो, हर बार का ही रोना है। T20 देख लो उसमें भी ये सापा चलता रहता है, T20 में जी ओपनर आउट हो गए, विराट कोहली आ गए, पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया देख रही है, विराट भाई बचा लो, और अग्रेसिव खेल किक आउट और फिर विकेट ले लो। शाहीन अफरीदी को आपको मैंने हजार बार इसी ब्रॉडकास्ट में बोला है, पहले 2 ओवर्स के ढंग से खेल ले, वो 2 ओवर निकल भी गए थे यार, इतनी लेट आया बॉल पे, वही तो बारिश एकदम से हो गई। किस्मत का खेल देखो, और फिर रोहित शर्मा, और फिर रोहित शर्मा गया शाहीन अफरीदी, इतनी देर से आज भी जब देखो मैं और हमारे पे भाई सब चुप हो गए, विराट भी गया, विराट कोहली चले गए भाई, विराट कोहली भी आउट हो गए यार भाई, यार ये हमेशा का है, ये प्रैक्टिस है 5 मिनट की बात, आपने 6 दिन की प्रैक्टिस कैंप करी थी बेंगलोर में, पता नहीं क्या प्रैक्टिस करा था वहां पे, कौन से बॉलर को आप खेल रहे थे, ठीक है यार कोई बात, करेंगे दोनों आउट। पर अभी ये कि रोहित विराट के बिना इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया क्या कर पाता, वही है किस्मत।
पहले ये दोनों शहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हम कह रहे थे सबसे बड़ी विकेटें सबसे बड़े बल्लेबाज विराट ने प्लेड ऑन इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स और रोहित शर्मा बोल्ड वहां पर हो गए थे। शॉट या तो आपके बस की हो कि शॉर्ट बॉल में छक्का मार दो जो छक्का बनता था। अब ये हमारे हैं तीतर बटेर फील्डर हाथ में खड़ा है भाई फील्डर खड़ा उसके हाथ में बॉल देकर आ। सो ये था इंडियन मीडिया का रिएक्शन शाहीन की बॉलिंग पर शुभमन गिल के विकेट पर रोहित और विराट कोहली जो मेन माने जाते हैं दो खिलाड़ी वो गिर गए थे वहाँ। मुझे भी लगा था कि यार क्या एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था उस प्लानिंग से जिस प्लानिंग से रोहित को आउट किया गया था भाई। क्या बॉलिंग कर रहा था भाई शाहीन थोड़ा दिमाग भी लगाता है भाई मुझे नहीं पता था क्या तगड़ी बॉलिंग की है शाहीन ने कैसा दिमाग लगाया था। दो बॉलें ऐसी डाली कि वो बॉल बाहर जा रही है एंगल बनाकर तिरछा बॉल डाली जो बाहर जा रही है फिर एक उन्होंने इन स्विंग डाल दी तीसरी बॉल उन्होंने इन स्विंग डाल ली मेरा दिमाग ऐसे हो गया बूम जब बॉल घुसी उनके विकेट और पैड के बीच में उसमें से बैट और पैड के बीच में से घुसी अंदर जाती हुई बॉल मैं हैरान हो गया एंड बहुत इंप्रेस हुआ उस बॉल से क्या कमाल की बॉल थी यार वो उन्होंने पहले बैट्समैन को यकीन दिलाया कि बॉलें बाहर जा रही हैं फिर उसी एंगल पर लगभग वहीं टप्पा खिलाया जहां पर पहले दो बॉलें डाली थी और उस बॉल को अंदर कर दिया इन स्विंग कर दिया कमाल यार इसे कहते हैं क्वालिटी बॉलिंग ज़बरदस्त। तो दोनों बड़े विकेट ले गए थे एंड बहुत स्लो हो गया था बहुत डाउन हो गया था सब कुछ लेकिन ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या की बैटिंग ने वहाँ बहुत 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 सहारा दिया है जो वो पार्टनरशिप हुई है 80 प्लस स्कोर किया है उन्होंने दोनों ने तो उसने बहुत संभाल कर रखा है जो 200 प्लस स्कोर बनाने की मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि 250 तक पहुँचेगा स्कोर या इतना उससे खेले पेशेंस के साथ बॉलिंग को कि ज़बरदस्त रहा था। कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या